हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ व्लॉग्स। कैसे मैंने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। देखो आज होगी है ऑलमोस्ट 11 तारीख और मे भी हो सकता है कि ये गोवा का आखिरी व्लॉग हो। और तो आज अभी हम निकले हैं, थोड़ा सा अभी तो रूम में ही है वैसे फिलहाल। सुबह सुबह का टाइम सुबह भी नहीं है, मतलब 9-10 बजे करीब टाइम है। और बाहर कुलवंत भाई और भूवी चले गए ऑलरेडी स्विमिंग पूल में, ऐसे थोड़ा एंजॉय करने। दूध सागर का सोचा था बट नहीं, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तो थोड़ा लेट भी हो गया, इसलिए हमने दूध सागर लीव कर दिया कि नहीं जाएंगे दूध सागर में। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं आप लोग का थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसे, क्योंकि कल मैं दिखा नहीं पाया था, अंधेरा हो गया था। चलो चलते हैं बाहर। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं ना भाई। ऐसा कुछ नज़ारा है, 7 कॉटेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे जो है पानी आ रहा है। पीछे इधर एक लेक है, तो थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स दिखाऊंगा, बीरोल दिखाऊंगा यहाँ के, फिर आप लोग बताना कि मज़ा आया या नहीं। कैसे लगे आप लोग को बीरोल, और आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और अभी मैंने चेंज करे हैं कपड़े, ये टी शर्ट जो है तो भाई सोच रही होगी कि मैं जैसे सूखती हूँ मेरे को दोबारा उठा लेता है ब्लॉक्सिंग नहाने के लिए फिर गीला करने के लिए। और ये देखो इस जो है ना, देखो छोटे छोटे बैंगन बूंगन भी लग के रखे हैं, काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा था। और यहाँ का जो खर्चा पड़ा हमें इस रिजॉर्ट का, आई मीन वो अराउंड 7000 के करीब पड़ा था, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत है कि कोविड की वजह से सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड था, कॉफ़ी चाय वाय खुद बनाओ चाय, और काफ़ी अच्छी रूम अंदर सर्विसेज भी थी। भाई पता नहीं किस तरफ चले गए वो स्विमिंग पूल की तरफ, मुझे कह के तो गए, पता नहीं स्विमिंग पूल फुल होगा नहीं होगा, क्या सीन है। बाकी इधर नज़ारा तो एक नंबर है। और आज का दिन ना वैसे ऐसा सोच रहे हैं कि आज का दिन कुछ अच्छा कुछ कर लें ताकि आखिरी दिन है गोवा में, और क्योंकि हमारी रात को फ़्लाइट भी, और रात को 12 बजे हमारी कार का ड्रॉप ऑफ भी है, तो हमें रात को 12 बजे के बाद अपना सारा टाइम एयरपोर्ट पर स्पेंड करना, क्योंकि हमारी सुबह की 8 बजे की फ़्लाइट है। तो फिलहाल तो पहले स्विमिंग पूल में इंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा दें कि क्या हो रहा है, क्या करना है, जो भी रहेगा आप लोग को एकदम बताता रहूँगा। तो ये हमें नया फ्रेंड मिला इधर, उसका भाई आ रहा है, वो देखो आ कितने सारे हैं भाई। अभी हम लोग ने अपना रूम चेकआउट कर दिया है, पाजी वगैरह हमने थोड़ा बहुत फोटोशूट करवाया है, और आप लोग अगर वो फोटोशूट देखने, आप लोग एड्रेस ब्लॉगिंग देख सकते हो। और होप सो हो सकता है कि ये वाला आखिरी ब्लॉग हो गोवा सीरीज़ का मे बी, क्योंकि कल हमारी रात को रुकेंगे, सुबह हमारी 8 बजे के करीब फ्लाइट है। तो आ जाओ यार आ जाओ, पता नहीं कौन सा फोटोशूट करने में लिखा हुआ है। और जो नज़ारा है ना भाई, मतलब पूछो मत ऐसा नज़ारा भाई। तो ये था गोवा कैलंगूट का हमारा आखिरी स्टे, इसके बाद हम लोग ने गोवा लीव कर दिया और हम लोग विजिट करने चले गए लोकल एरिया की साइड, जहाँ पे बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं होते। गोवा का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिज है, लेफ्ट साइड पे पूरा जो है, मतलब कौन सी पता नहीं जो भी है बट, और सामने देख लो भाई बहुत बड़ा, मतलब यू ना बहुत कम पोल्स के ऊपर खड़ा है और पूरा जो है ना ये इनके ऊपर खड़ा है, हुक्स के ऊपर। अभी हम लोग जा रहे होंगे गुरुद्वारे की तरफ जो कि साउथ गोवा के अंदर है, एयरपोर्ट की दूसरी तरफ, और नज़ारे तो एक नंबर है भाई। मतलब आज का दिन लास्ट दिन है तो हम इसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को निकलने से पहले बता दिया कि हम लोग गुरुद्वारे साहब जा रहे हैं, और हमने एयरपोर्ट तक मतलब अराउंड 30-40 किलोमीटर्स ट्रैवल करके कुलवंत भाई के कहने पे स्पेशली गुरुद्वारे आए हैं। मन तो कर रहा था यार, देखो मतलब हमारा तो एक टाइप ऑफ रिलीजियस ट्रिप ही लग गया है, सेकंड गुरुद्वारा ये, इसके बाद कहीं और जाने की सोच रहे हैं। वैसे तो अभी तो पहले गुरुद्वारा साहब होके आते हैं अंदर से, फिर आप लोग को आके मिलते हैं, क्योंकि आज का दिन हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन कुछ भी ऐसी चीज़ रह जाए जो दिल्ली जाके लगे कि भाई हमने ये चीज़ वहाँ पे क्यों नहीं करी। आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर पाता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अलग हैं। जैसे हम दिल्ली वाले हैं ना, हमारे वहाँ पे कोई भी घूमने फिरने आता है ना तो हम उससे बातचीत बहुत प्यार से करते हैं। यहाँ के लोग ना मतलब मोर ऑफ ऐसा कहो कि अपने धंधे के लिए बैठे हैं, तुम अगर अच्छे से बात करोगे तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे तो। ये चीज़ बाद में बात करते हैं, चलो पहले मैं देख लेते हैं। नूर ते सब जग उपजिया कौन परे को मंदे,
एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। भाई गुरुद्वारे से तो हो गए हम लोग फ्री और अब हम लोग सोच रहे हैं एक आइलैंड है यहाँ पे, वो आइलैंड जाने की सोच रहे हैं। बट हमें पता नहीं वो आइलैंड फ्री है पेड है या हो सकता है टिकट वगैरह भी हो, बट चेक कर लेते हैं। सेंट एंटोनियो ही है ना, सेंट एंटोनियो करके है कुछ, यही आइलैंड लिखा हुआ था उस पे, ट्रिप एडवाइजर पे था ना ये पुलन। हाँ ये हमने ट्रिप एडवाइजर पे देखा था ना। तो आइलैंड जो मैं आपको बोल रहा था वो तो बहुत अच्छा एकदम, मतलब बहुत मतलब गजब सा आइलैंड है। पानी का लेवल थोड़ा इधर कम है, लोग चल रहे हैं पानी में, वो लोग बंदे देखो जो चल रहे हैं पानी में, बट यहाँ का जो नज़ारा ना एकदम जहर है। और यहाँ पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे हम रुक के खा रहे हैं कुछ, अभी देखते हैं है भी या ओपन या नहीं है। बट यहाँ पर नज़ारा काफ़ी प्यारा है यार, फोटो वोटो खींचने में मज़ा आएगा। और अगर आप लोग को फोटोज़ देखने तो इंस्टाग्राम में मैंने सारी फोटोज़ डाली है @vlogsingh@igkulwant, इन दोनों पे आपको मतलब हमारी भरमार फोटोज़ मिलेंगी। भूमिका मेरे को पता नहीं है बट स्टिल मैं आपको टैग कर दूंगा अगर उससे बातचीत करनी हो कोई भी। और अभी तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे हमारे, यहाँ पे देखते खाने में क्या मिलता है हमें। चाबी मेरे पास है, मुझे लगा लॉक कर दी मैंने चाबी गलती से, नहीं है लगा ही था मेरे को नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं मिला इस आइलैंड पे। हमें लगा है कुछ खाने के लिए होगा बट नहीं है। और अभी भू ही चला रहा है गाड़ी क्योंकि भाई मैं भी इसके बाद से चला रहा था। हाँ चल कोई नहीं, भाई को दे देता हूँ चाबी। अब भाई जी आप भी चलाते हो गाड़ी, आप कैसे चलाते हो? मैं नहीं चलाता ऐसी जगह पर यार। कई जगह भी चलाते चंदर व्यार में दिल्ली जैसी जगह से, दिल्ली जैसी जगह में चला सकते हैं। यहाँ तो मतलब थोड़ा मुश्किल है चलाना, खाली रोड पर थोड़ा मुश्किल होता चलाना। रफ ड्राइविंग करता है वो थोड़ा स्पोर्ट्स, समझ रहे हो ना? तो अभी यहाँ पे ऐसे हम कहीं पे रुके थे, बड़ी मुश्किल से वैसे तो ढाबा डूबा मिला, कुछ ऐसे ही रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे डोसा खा रहे हैं। पाजी ने पहले मंगवा लिया था, थोड़ा खा लिया है, और मेरा ये डोसा अब इसको ख़त्म करके फिर वापस गाड़ी में चलते, देखते कहाँ जाना है। अब कहाँ जा रहे हो? जैपनीज पार्क भाई। मैं चाबी निकालना भूल जाता हूँ हर बारी, हमारी सेंटर लॉकिंग नहीं है ना इसमें। अगर गूगल मैप ना होता तो, गूगल मैप ना होता तो वो भी पेट्रोल खर्च करते, फिर पूछ पूछ के जाते, फिर हांड करते, तब यार भाई भटक जाते, नहीं होता तो भटकते ही पूरा। तो भाई सबसे लास्ट में काम हो गया, जो बीच हमने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे होते होंगे बीच, इमेजिनेशन वाला बीच हमें मिल गया है। सीक्रेट बीचेस में से माना जाता है गोवा के, ये बीच पे मतलब टूरिस्ट वगैरह नहीं आते क्योंकि साउथ गोवा के अंदर पड़ता है। और अभी भी अगर आप यहाँ देखोगे सिर्फ लोकल्स आप लोग को दिखेंगे। और यहाँ पे जो मौसम है ना इस टाइम पे बहुत सूदिंग सा मौसम होकर रखा है, ये तो ऐसे छोटा सा एरिया बना रखा है बट आगे यहाँ पे थोड़ा और बड़ा है, एकदम आइलैंड टाइप बना हुआ है ना ये, एकदम किनारे पे है। यहाँ पे केकड़े थे भाई, अभी क्रैब्स थे, क्रैब्स भाई को दिखे नहीं, मेरे को तो दिखे 4-5 क्रैब्स, दिखे तेरे को 4-5 क्रैब्स चलते जा रहे थे वो बैठा ऊपर ही। तो यहाँ पे हो गया हमारा भाई, यहाँ पे बीच घूमना भी हो गया। बस अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, मेरे फ़ोन की बैटरी 1% है, दूसरा फ़ोन मैं लाया नहीं तो मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे व्लॉग करना पड़ेगा, पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाए। और बस अभी ये अंधेरा हो गया, सनसेट देखने आए थे, बादल की वजह से दिखा नहीं, एक्चुअल में जो बीच हमने सोचा था ऐसा ही था। तो अभी शाम हो गई थी, देखो हालत थोड़ी हमारी ख़राब है क्योंकि हमने गलती कर दी कैलंगूट लीव करके, नहीं स्टिल हमने मतलब घूमा काफ़ी आज। और अभी हम बैठे हैं फिर एक और कोई ऐसा ही रैंडम सा बीच भी ढूंढ के कि थोड़ी हवा चल रही हो जहाँ पे। हाँ तुम म्यूज़िक कंपटीशन चला लो पहले इधर। तो ये अच्छे सुनहरे म्यूज़िक के साथ, डॉग म्यूज़िक के साथ हमें लाइट शो में चल रहा है यहाँ पे मंचूरियन, जो कि हमने था रोड साइड स्टॉल से लिया है। अच्छा है कि पहली एक प्लेट वो खा के हमने रख दी तो दूसरी ऑर्डर कर ली, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं आज करने के लिए इधर, हम बस वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास घूम रहे हैं रैंडम कुछ भी कर रहे हैं। काले खत्म हो जाएगा। हाँ काले खत्म हो जाएगा। हाँ खा रहा हूँ। 12:00 midnight। तो अभी निखिल भैया गाड़ी लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ से। ओके सर, अच्छा लगा, काफी अच्छी गाड़ी थी, कंडीशन वगैरह एकदम ओके थी, अच्छी सर्विस भी अच्छी थी काफी, थैंक यू सर। और ये हमने सारे बैग वगैरह निकाल लिए अपने, और एयरपोर्ट ये पास में ही है, थोड़ा वॉक करके जाएंगे। और मेरे बैग का वेट ना काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि सामान सामून लिया है थोड़ा सा हमने। 3:28 AM। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:19। यहाँ पे बहुत बड़ा पोपट हुआ, मैंने आप लोग को बताया नहीं, एक्चुअली हम लोग को सोचा था कि यहाँ पे लॉन्च होगा तो हम लोग यहाँ पे 12 बजे से बैठे हैं
और इन कुर्सियों पे मतलब आराम कर रहे हैं बाहर, और कसम से ना अभी मतलब क्या ही कर सकते हैं, मतलब बैठे हुए थे हम लोग, और अभी भी हमें और थोड़े दो ढाई घंटे और वेट करना, क्योंकि 8 बजे की फ्लाइट है। मैं तो घर जाके ऐसा सोऊंगा, मतलब 2 दिन नहीं उठने वाला हूँ मैं, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और अगर हमें पता होता ना कि यहाँ लॉन्च है ही नहीं, तो हम लोग ये गलती करते ही नहीं। हमने 12 बजे सारा चेकआउट करके सबको, और हम भग के आ गए भाई यहाँ पे, और हमने बोला हमें वापस बाहर जाने दो, तो बोल दिया कि तुम वापस बाहर भी नहीं जा सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमारे पास। बजे के करीब मैंने एयरपोर्ट से चेकआउट कर दिया था, अभी टाइम 1 बज रहा होगा। यहाँ से मैं एक्सप्रेस मेट्रो लेके द्वारका की तरफ जाऊँगा, और बस यहीं तक का था गोवा सीरीज़ का व्लॉग। बाकी नेक्स्ट व्लॉग आप लोग को दिखेगा गोवा कैसे प्लान करना, मेरा कितना एक्सपेंस लगा, क्या खर्चा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर, मेरे को नींद आ रही है भाई।